उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पिछले 70 सालों से महात्मा गंगादास की स्मृति दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस स्मृति दिवस में एक विशाल दंगल का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ व अन्य राज्यों से पहलवान आते हैं और इस दिन कुश्ती का एक अलग ही अंदाज नजर आता है। यह दो दिवसीय विशाल दंगल रूप में मनाया जाता है। इस विशाल दंगल में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दंगल लड़ चुके पहलवान भी पहुंचते हैं। विशाल दंगल का उद्देश्य है कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जा सके और युवा खेलों के प्रति अपना रुझान दिखाएं। दंगल में कई राज्यों के बड़े बड़े नामी पुरुष और महिला पहलवान पहुंचे, जो नेशनल गेमों में कई गोल्ड जीतकर अपने जनपद और परिवार का नाम रोशन कर चुके हैं। आज दंगल में राष्ट्रीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दंगल जैसे खेल हर जनपद में होते रहने चाहिए। जो भी खेल हैं और खेल की प्रतिभाएं हैं देश में निखरनी चाहिए और जो भी बच्चा जिस भी गेम में जाना चाहे उसमें उसे जरूर जाना चाहिए और सरकार भी उन्हें सपोर्ट करें। देखो, दंगल होते रहने चाहिए, खेल होते रहने चाहिए, जो भी खेल हैं, खेल प्रतिभाएं देश में निखरनी चाहिए, अलग अलग गेम देश में है और जो बच्चा जिस गेम में जाना चाहता है उस गेम में जाएं, सरकारें उनको सपोर्ट करें। और अब की बार बहुत मेडल जीत कर आए हैं, बच्चों की भी मेहनत रही है, जो कोच हैं उनकी भी मेहनत रही है, कुछ सरकारों ने भी ये है कि फाइनेंशियल उनका बढ़ाया है तो उनका भी सहयोग रहा है। तो सरकारों को खेल जो हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और जो नेचुरल खेल हैं वो भी बढ़े देश में, और जो बच्चा खेलना चाहता है उसको सरकार पूर्ण रूप से सपोर्ट करे, क्योंकि खेल में खर्चा बहुत होता है और इंडिविजुअल गेम बहुत हैं जो परिवार वाले खर्चा नहीं उठा सकते। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि खेल को बढ़ावें, उनका खर्चा उठावें। ये फाइनेंशियल युग है, बगैर पैसे के कुछ नहीं होता। जो धनराशि है उसको भी सरकार को बढ़ाना चाहिए, जैसे हरियाणा में नौकरियां, उनको अच्छी नौकरी दे और अच्छा फाइनेंशियल उनकी मदद करें, तो हम पूरी दुनिया में बहुत मेडल ला सकते हैं। जैसे अब की बार बहुत मेडल हमारे आए देश का, तो देश का नाम ऊंचा रहा, 100 से ज़्यादा मेडल हमारे आए और हमारे क्षेत्र के बहुत आए, तो पूरे देश में से अगर बच्चे इस तरह से लगेंगे तो आने वाले टाइम पे बहुत गोल्ड मेडल और मेडल हमारे देश में आएंगे। अच्छा लग रहा है, मतलब खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं तो इधर देखो नाम रोशन हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यही बोलूंगी कि लड़कियों को मतलब कि मेहनत करनी चाहिए और मतलब कभी भी हार हिम्मत होनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आपका जीवन में बहुत संघर्षशील रहा है, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मतलब मेरा क्या, मुझे लगता है कि हर एक एथलीट का ऐसे होता है जो गांव से निकलता है तो बड़ा स्ट्रगल होता है लाइफ में, लेकिन वो थोड़ा जब मेडल वगैरह आते हैं तो उसके अनुसार फिर टाइम के अनुसार सब चेंज हो जाता है। मैं यही बोलूंगी कि है ना उनको मतलब जैसे कि अब देखो हमारा खेलो इंडिया चल रहा है, उसमें जाके पार्टिसिपेट करें और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उसके बाद बस यही है, सबसे पहले तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी कर रहे हो अपनी पूरी प्रेरणा के साथ, पूरी लगन के साथ करो और डेडिकेटेड रहो अपने जो भी आपके एम हैं, गोल्स हैं उसके लिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कराना चाहिए।